दोस्तों, आज फिर से हम इस वीडियो में मिक्सर टेस्टिंग के लिए हम बताने जा रहे हैं। प्रॉपर तरीके से टॉप लगा हुआ है, एक बार प्री टेस्टिंग हो चुका है, अब एक फाइनल टेस्टिंग के लिए हम बता रहे हैं किस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे फाइनल टेस्टिंग आप देख सकते हैं कि ये बटन में पेच लगे हुए हैं, ये चार पेच लगे हुए हैं और इधर भी पेच लगे हुए हैं, तो ये बटन वगैरह सारे पेच लगे हुए हैं। इधर लूप आप इसका देख सकते हैं, यहाँ बैटरी से चलाने के लिए दे रखा है, ये डीसी पे चलाने के लिए दे रखा है, 2 वोल्ट डीसी पे चल सकता है ये। तो हम इसको सीआरओ से फाइनल टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको आप वहाँ ग्राफ के पास भी देख सकते हैं। पहला माइक हम चेक करेंगे, सिग्नल दे रखे हैं इसको, तो सिग्नल देने के बाद हम ये लेफ्ट राइट का है, ये राइट चैनल हम चेक कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो राइट चैनल को वॉल्यूम को हम बढ़ाएंगे तो आगे ये पिक्चर बढ़ेगा, जैसे आप कम करेंगे तो यहाँ पे कम होता जाएगा। तो आप इस पिक्चर को आप देखते हुए इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कम काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। तो इस हिसाब से हम इसको बास टेबल को चेक करेंगे, तो बास टेबल चेक करेंगे, तो बास टेबल के लिए हमें ये मिलाना पड़ेगा। जैसे ये बास चेक हो गया, अब इसको हम बास को टोन बंद कर दिया तो यहाँ कट पे इतना आ गया और बूस पे इतना आ गया, कट पे इतना ही, कट पे 2 या 3 आ गया, बूस पे 14-15। तो इस हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए चेक करते हैं। अब है कि इसको हम ट्रेवल को चेक करेंगे, तो ट्रेवल हम इस हिसाब से चेक करेंगे कि आप देख सकते हैं कि ट्रेवल को टोन को कम किया तो कम हो गया, ये हमारा टोन यानी ट्रेवल का टोन काम कर रहा है। इसी हिसाब से हमने ये दूसरा J2 में लगाया, दूसरी माइक में ये सिग्नल दिया और ये सेलेक्ट करने के लिए बास टेबल चेक करने के लिए बास पे हम चेक करेंगे, तो ये बास को हम यूं करेंगे तो फुल, ये बास फुल हो गया। इस हिसाब से ट्रेवल को भी हम चेक करेंगे, तो ट्रेवल को इस हिसाब से चेक करेंगे, जैसे ये हो टोन काम कर रहा है ऐसे। इसी हिसाब से हम इको भी चेक करते हैं टोन, जैसे इको, इको का टोन खोलने के बाद आप देख सकते हैं इसको निकालने के बाद इको किस तरीके से काम करती है, ये इस तरीके से काम करती है इको। तो ये इको के टोन हो गया, अब उसी हिसाब से हम इसको चेक करेंगे, तो ये मतलब हम चौथा माइक को चेक कर रहे हैं सिग्नल दे के। इको का टोन बंद है, ये भी है, पेन का टोन बीच में रहेगा, बास टेबल बंद रहेगा, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे और बास को चेक करेंगे और ये ट्रेबल को चेक करेंगे, तो ट्रेबल को हम इसी से चेक कर लेंगे। ठीक है तो इस हिसाब से हमने टोन को, हाँ शुरू करो। हेलो, तो ये हमारा टेस्टिंग सीआरओ से हमने बताया इस वीडियो में, अब इसको एग्जैक्टली साउंड सुनाकर हम सुनाएंगे। ये वॉल्यूम का है सिलेक्ट, ये है बास टेबल इको, इस हिसाब से हमें माइक को चेक करना होता है। इंजेक्टली सीआरओ से भी एक बार चेक होता है और दूसरी बार साउंड भी चेक किया जाता है। इस हिसाब से इको का इफेक्ट बेहतरीन तरीके से बुलंद छू जाने वाली बात आती है। तो दोस्तों,
ताकि हम एक से एक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें और YouTube चैनल को सलाम करें। धन्यवाद।